Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. ये कैसी शीतलता का प्रभाव हो रहा है मुझ पर? मेरी उष्मता, मेरा ताप जैसे छिन गया हो मुझसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्नि का सागर बालक गृहपति के समक्ष था, किंतु वो उससे भी भयभीत नहीं हुआ और उसका निश्चय अभी भी अटल है। ओम नमः शिवाय। 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 मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं ही आपको पहचान ना सका, किंतु मुझे अब आपका वास्तविक परिचय ज्ञात हो गया है। आप तो और कोई नहीं, स्वयं मेरे प्रभु महादेव है। हे प्रभु, अपने स्वाभाविक रूप में मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा कीजिए। प्रभु तो पूर्व में ही वहां पहुंचकर अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। बालक गृहपति, सभी परीक्षाओं में सफल होकर तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि भक्ति की शक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है, मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। हाँ बालक गृहपति, तुमने अपनी भक्ति की शक्ति से मृत्यु को भी परास्त कर दिया। मैं तुम्हें अभेदान देता हूँ और घोषणा करता हूँ, अग्निदेव के श्राप के कारण तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रभु महादेव ने स्वयं इस ऋषि पुत्र बालक को मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। संसार में सफलतापूर्वक जीवन बिताने का एक नवीन नियम स्थापित होगा कि प्रबल इच्छा शक्ति से और निष्ठा एवं श्रद्धा से प्रयास कर समस्त बाधाओं को दूर किया जा सकता है और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हे महादेव, आपने मेरे श्राप से इस बालक को तो मुक्त कर दिया, किंतु अब मेरी गति क्या होगी? क्योंकि अब ताप के स्थान पर मैं शीतलता का विस्तार कर रहा हूं। इस प्रकार तो मेरा अस्तित्व ही मिट गया प्रभु। यह तो मेरा अंत का ही सूचक है, किंतु मेरा ऐसा क्या दोष था जिससे मुझे इतना कठोर दंड प्राप्त हो रहा है? और बालक गृहपति के पिता का क्या दोष था अग्निदेव, जिसको आपने शापित किया? हे अग्निदेव, मेरा तो एकमात्र आशय था कि मैं उस बालक और ग्राम को अनिष्ट से सुरक्षित रख सकूं। इसलिए मैं अपना धर्म निभाकर
पुण्य कर्म कर रहा था। एक निर्दोष निरी शिशु की रक्षा करने का ही तो धर्म निभाया था उन्होंने। जिसके समक्ष आप उसकी मृत्यु बनकर प्रस्तुत हुए थे, जबकि अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया था, और बालक गृहपति का क्या दोष था कि देव जिसकी मृत्यु आपने उसके जन्म के पूर्व ही निर्धारित कर दी। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। नियंत्रण ही तो अनिवार्य है अग्निदेव, क्योंकि व्यवहार शक्ति और जीवा पर जिसका नियंत्रण नहीं होता वह अनेकों भूल करता है, और फिर उन्हीं भूलों के चक्र में उलझता चला जाता है। आपकी अग्नि के अनियंत्रण प्रकोप को नियंत्रण में लाने के लिए ही गृहपति का जन्म हुआ है। गृहपति के तरण निश्चय और भक्ति की शक्ति के कारण ही अग्नि का ताप शीतलता में परिवर्तित हो गया। आप अपने स्वाभाविक व्यवहार को तभी प्राप्त कर सकेंगे जब आप अपनी अग्नि को नियंत्रण में रखेंगे। स्वयं कहीं उत्पन्न नहीं होंगे और स्वेच्छा से एक सीमा से अधिक अपना विस्तार कर संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं प्रभु, मैं अपनी अग्नि को वहीं उत्पन्न करूंगा जहां मुझे प्रकट होने का अवसर दिया जाएगा, अन्यथा जहां मेरा आवाहन होगा और मेरा प्रभाव सदैव सीमित ही रहेगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, जब अग्निदेव ने स्वयं पर नियंत्रण रखने का वचन दे ही दिया है, तो संसार में एक और नियम स्थापित होना चाहिए। अग्नि के प्रति सबको सदा सचेत रहना चाहिए। अग्नि के उपयोग के उपरांत उसे अवश्य बुझाना चाहिए। आनंद और व्यसन के लिए अग्नि का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए। तुमने सर्वथा उचित कहा बालक गृहपति। आज के उपरांत तुम्हारी कथा से समस्त जगत अग्नि के उपयोग के नियम को सदा स्मरण रखेगा, और मैं तुम्हें सभी दिशाओं का नियंत्रक होने का आशीष देता हूं कि तुम अग्नि को किसी भी दिशा में आवश्यकता से अधिक बढ़ने से रोकोगे। और जिस पार्थिव शिवलिंग का तुमने निर्माण किया है वह अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित है। अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित, वह अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित है। आने वाले समय में जो भी अग्नेश्वर लिंग की उपासना करेंगे उनका जीवन अग्नि अथवा अग्नि तत्व के किसी भी कुप्रभाव से सुरक्षित होगा। प्रभु गृहपति की जय, प्रभु गृहपति की जय, प्रभु गृहपति की जय। हमें प्रभु महादेव के गृहपति अवतार से ये सीख प्राप्त होती है कि पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण इच्छा शक्ति से कोई प्रयास किया जाए तो वो असंभव से भी संभव हो सकता है। हाँ गौरी पुत्र, यही थी प्रभु गृहपति की कथा।
जिन्होंने अपनी भक्ति से उस अग्नि को भी शीतल होने पर विवश कर दिया और अपनी मृत्यु को टाल दिया। जय हो प्रभु गृहपति की। जब तक मैं प्रभु के गृहपति अवतार की कथा संपन्न नहीं कर देता, तब तक आप समस्त प्रयास करते रहिए, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन्हें असफल होता देखता रहूं। मुझे दिवस के अंत तक लंका अवश्य पहुंचना है। प्रभु गृहपति की कथा भी पूर्ण होने वाली है, अब मेरे पास अधिक समय शेष नहीं है। कुछ भी हो जाए, किंतु मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका नहीं जाने दे सकता, इसलिए मुझे अपनी शक्ति में वृद्धि कर लंकेश को रोकना ही होगा। लंकेश जो कर रहे हैं वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं, किंतु फिर भी वो अग्नि के इतने प्रचंड प्रभाव को सहकर भी आत्मलिंग को स्वयं से दूर नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा कर वो भी प्रभु महादेव के प्रति अपनी अटूट भक्ति का ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। लंकेश की प्रभु भक्ति के समक्ष मुझे एक बार पुनः विवश होकर उनके लिए विघ्नहर्ता बनना ही पड़ेगा। और आने वाले समय में जो भी अग्निश्वर लिंग की उपासना करेंगे, उनका जीवन अग्नि अथवा अग्नि तत्व के किसी भी कुप्रभाव से सुरक्षित होगा। प्रभु गृहपति की जय। कदाचित अग्नि से लंकेश की रक्षा करने हेतु मुझे भी वही करना होगा जो प्रभु गृहपति के लिए स्वयं प्रभु महादेव ने किया था। हे अग्निदेव, कृपया शीतल होकर लंकेश के कष्ट को क्षीण करें। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति से उत्पन्न अग्नि अचानक शीतल कैसे हो गई? ये प्रभु गृहपति के नाम को उच्चारण करने का और उनकी कथा सुनाने का सुफल है ये। रुक जाइए नंदेश्वर जी, अपनी तपोशक्ति को व्यर्थ ना कीजिए, क्योंकि लंकेश रावण हूं मैं, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, किंतु यदि मैं चाहूं तो तुम सभी शिवगणों को इसी क्षण मिटा सकता हूं। लंकेश, ये मात्र तुम्हारा भ्रम है कि तुम मुझे अथवा अन्य शिवगणों को कोई क्षति पहुंचा सकते हो। अब तो ये दोनों ही परस्पर हिंसा के लिए तत्पर हो उठे हैं। एक और लंकेश है जो उत्तेजित करते हैं और दूसरी ओर नंदेश्वर जी जो क्रोधित हो उठते हैं। इसलिए मुझे ही पुनः कुछ कर इन दोनों को रोकना होगा। आप में से कोई भी इस रेखा का उल्लंघन नहीं करेगा। मेरी पलताई भी लेता तो नहीं सच्ची आएगी। हे गणपति जी, आप इस लंकेश का साथ क्यों दे रहे हैं? मैं यहाँ लंकेश का नहीं, धर्म का साथ दे रहा हूँ नंदेश्वर जी, क्योंकि प्रभु के आत्मलिंग को शक्ति और हिंसा से प्राप्त करना सर्वथा अनुचित है। लंकेश ने तो आपको चुनौती दी थी जिसे आप पूर्ण कर प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त कर सकते थे, किंतु आप अथवा कोई भी अन्य शिवगण उनके चरणों को नहीं डिगा सके। और कदाचित ये इसलिए हुआ क्योंकि लंकेश जी पर उनके प्रभु महादेव की कृपा है, और उससे भी अधिक जिनके हाथों में प्रभु की आत्मलिंग रूपी शक्ति और दिव्यता स्थित है, तो उन्हें भला पराजित कर भी कौन सकता है। मेरे विचार से आप अपने समस्त प्रयास कर चुके हैं, इसलिए अब आपको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए नंदेश्वर जी। जो अब तक हुआ वो तो प्रभु की इच्छा से ही हुआ, और जो आगे होगा
वो भी प्रभु की इच्छा से ही होगा, इसलिए आप सभी का कैलाश लौटना उचित होगा। उचित है। ये तो सर्वथा उचित हुआ गौरी पुत्र कि आपके समझाने पर सभी यहां से लौट गए, अन्यथा मैं अपना नियंत्रण खो बैठता। किंतु मुझे इसकी अपार प्रसन्नता है, जिन्होंने अग्नि को नियंत्रित किया, प्रभु शिव शंकर शंभू के उन्हीं के अवतार प्रभु बृहपति ने मेरे चारों ओर छाई अग्नि को भी शीतल कर मेरा ही साथ दिया। तब तो हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए लंकेश, कदाचित वो प्रसन्न होकर हमें अपने दर्शन प्रदान करेंगे। हाँ हाँ अवश्य। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुनि विश्व नर और सुषमती की है कथा, संतान के लिए जिन्होंने वर्षों तक सही व्यथा की, कामना सुचिष्मति ने शिव समान पुत्र की, तो काशी जाके शिव जी की मुनि ने घोर तपस्या की। विश्वेश्वरलिंग की मुनि थे कर रहे आराधना, तो बाल रूप शिव जी का था लिंग में उन्हें दिखा। प्रकट हुए सुचिष्मति के गर्भ में जन्म लिया था, ब्रह्मा जी ने गृहपति का नाम आपको दिया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु गृहपति। प्रणाम। कल्याण हो। ये तो मेरा परम सौभाग्य है प्रभु कि आपकी मुझ पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपार कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप नंदी जी की तपोअग्नि भी शीतल हो गई। गृहपति जी की दृष्टि तो आत्मलिंग पर ही स्थिर है, कहीं ये भी प्रभु वीरभद्र जी और भैरव जी के समान मेरे प्रति आक्रामक तो नहीं होने जा रहे हैं। लंकेश रावण, आपके हाथों में प्रभु का ये आत्मलिंग होने का एक ही संभव कारण है कि आपने स्वयं को सदा महादेव का परम भक्त प्रमाणित किया। प्रबल इच्छा शक्ति और पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कुछ भी संभव हो सकता है। प्रत्येक जीव को कभी भी किसी से वो कदापि नहीं मांगना चाहिए जिसे प्रदान करना देने वाले को कठिन हो, क्योंकि किसी की व्यवस्था के कारण उसे जो प्राप्त होता है वो कभी ना कभी उसके उचित अधिकारी के पास पहुंच जाता है।
अथवा जहाँ उसका उचित स्थान होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। प्रभु गृहपति की सीख नंदी जी के लिए सर्वथा उचित है गौरी पुत्र, क्योंकि प्रभु के जिन आत्मलिंग पे मेरा अधिकार है वो नंदी जी के इतने प्रयासों के उपरांत भी मेरे साथ ही हैं। सत्य है, कभी कभी अहंकार वश बड़े से बड़ा ज्ञानी भी छोटी सी बात का गूढ़ रहस्य समझने में असमर्थ हो जाता है गौरी पुत्र। किंतु आपने नंदी जी को यहाँ से भेजने में थोड़ी शीघ्रता कर दी, लौटने पर विवश हो गए वो। यदि वो प्रभु के वचनों का श्रवण करते तो वो एक श्रेष्ठ और आवश्यक सीख प्राप्त करते। अवश्य। आज एक अनूठी सफलता प्राप्त की है मैंने, समस्त शिवगणों को एक साथ पराजित किया है मैंने, कोई टिक नहीं पाया मेरे समक्ष। मेरी इतनी अपार शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है इस जगत में गौरी पुत्र, इसलिए मुझे अपनी सफलता का उत्सव मनाना चाहिए। अवश्य होगा मेरी इस विजय का उत्सव। रुकिए लंकेश जी, प्रकृति को हानि पहुंचाना अनुचित है। अब कोई भी मेरे मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस नहीं करेगा। लंकेश रावण के मार्ग में बाधा, एक वृक्ष को क्षति पहुंचाना, छोटे पौधों के एक छोटे से उपवन को और एक संपूर्ण वंश को उजाड़ने के समान है, और प्रभु के आत्मलिंग को अपने हाथों में लेकर आप इतना बड़ा पाप मत कीजिए। और वैसे भी आप इस वन को, यहाँ की प्रकृति को अत्यधिक क्षति पहुंचा चुके हैं। लंकेश, कहीं आप ये तो नहीं भूल गए हैं ना कि समस्त सृष्टि के पिता जगत पिता महादेव ही है, और उनकी इन संतानों को हानि पहुंचाकर आप स्वयं अपने प्रभु को आहत कर रहे हैं, और इस प्रकार अन्य जीवों का नाश कर आनंद मनाने का क्या औचित्य है लंकेश? आज की अपनी सफलता को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दीजिए। मैं समझ गया गौरी पुत्र, आपका कथन सर्वथा सत्य है। ये कैसे भूल गया मैं कि ये सीख जगत को प्रभु के शरभ अवतार ने दी थी। शरभ अवतार? हाँ गौरी पुत्र, वो शरभ अवतार जिन्होंने संसार को ये सीख दी कि अपनी सफलता को अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और ये सीख तो उन्होंने आपके मामा श्री श्री हरिनारायण के माध्यम से जगत के समक्ष इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए आप। लंकेश, पिताश्री के शरभ अवतार की कथा मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। नारायण जब अपनी छोटी सी विजय के उपरांत नरसिंह अवतार में अपना नियंत्रण खो चुके थे, तब उन्हें रोकने के लिए मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु ने अवतार लिया। ये उस समय की कथा है गौरी पुत्र, जब हिरण्यकश्यप नाम के महाबली महाप्रतापी असुर ने अपने तप से पितामह ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे एक अद्भुत वरदान मांगा था। दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर,
न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न यक्ष से न राक्षस से, मेरे प्राण किसी से भी न जा सके, और उससे भी अधिक ब्रह्मदेव इस संसार में जिसकी भी आपने रचना की है उनमें से कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इस सर्वथा अनूठे वरदान को प्राप्त कर वो जैसे अमरत्व ही प्राप्त कर चुका था, शीघ्र ही समस्त लोकों पर विजय पाकर उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और सभी को अपनी पूजा करने के लिए विवश करने लगा। किंतु इसके पश्चात उन्हीं महान असुर हिरण्यकश्यप के परिवार में उनका विरोधी उनके पुत्र प्रहलाद के रूप में जन्म हुआ, जो नारायण का भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, जो हिरण्यकश्यप के लिए इतना असहनीय था कि उसने अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने का निर्णय लिया। किंतु प्रहलाद सदैव अपनी भक्ति के कारण सुरक्षित रहा। फिर क्या हुआ दशानंद? तब एक ओर तो वो अपने ही पुत्र का अंत करने के लिए आतुर था, और वहीं दूसरी ओर उसके सेवक सभी को इस प्रकार यातना दे रहे थे जिससे कि वो उसे भगवान के रूप में स्वीकार करे, और फिर सभी देवता नारायण से सहायता की भिक्षा मांगने वैकुंठ धाम पहुंच गए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, अब समस्त जगत को आप ही संकट से मुक्त करा सकते हैं। वर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो, इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। रच दो लीला अब हरी, रच दो लीला अब हर, चाहे फिर से एक अवतार धरो, अवतार धरो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। सबके पालनहारे हो, इस सृष्टि के रखवारे हो, हम सबके पालनहारे हो, इस सृष्टि के रखवारे हो। जब जब विपदा आई जग पे, प्रभु आप ही बने सहारे, समाधान कोई संकट का दो, जन जन का कल्याण करो, कल्याण करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो, इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो।
कंचनाभावरा भयं। नारायण नारायण, प्रभु आपने इस संसार को वचन दिया था कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी, संत जनों पे संकट छाएंगे और भक्त जनों के साथ दुर्व्यवहार होगा, तब तब आप इस संसार के रक्षा हेतु इस संसार में प्रकट होंगे। अब वो समय हमारे समीप है प्रभु। प्रभु हिरण्यकश्यप ने सभी, अब वो समय आ गया है जब मैं शीघ्र अवतार लेकर उस हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। धन्यवाद प्रभु। नरसिंह अवतार, नारायण के क्रोध से उत्पन्न अवतार, जो उत्पन्न तो हुआ था सृष्टि को संकट से मुक्त कराने के लिए, किंतु सृष्टि के अस्तित्व पर ही संकट का कारण बन गया, और उसी संकट का अंत करने के लिए मेरे प्रभु को शरद अवतार लेना पड़ा। शरद अवतार, ये उन दिनों की कथा है जब आपके मामा श्री श्री हरि नारायण अपनी एक तुच्छ सी विजय के पश्चात अपना संपूर्ण विवेक ही खो बैठे थे, और उन्हें स्वयं के कुछ अधिक ही शक्तिशाली होने का भ्रम भी हो गया था। लंकेश, आप तो महादेव के अवतारों की कथा सुना रहे थे, किंतु आपकी कथा में तो अब मामा जी श्री हरि नारायण अवतार लेने जा रहे हैं। देवताओं ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी कि वो सहायता प्राप्त करने नारायण के पास चले गए थे। यदि वो मेरे आराध्य प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के पास जाते तो नारायण को अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि नारायण के इस अवतार के उपरांत मेरे प्रभु महादेव ने उन्हें रोकने के लिए अवतार लिया था। ऐसा क्या हुआ था लंकेश कि मामा जी श्री हरि नारायण को रोकने के लिए स्वयं प्रभु महादेव को अवतार लेना पड़ा? गौरी पुत्र, नारायण ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के अंत करने की घोषणा की, किंतु हिरण्यकश्यप तो किसी भी उपाय से अपने पुत्र का वध करने के लिए अडिग था। तू मेरा पुत्र नहीं, शत्रु है, और आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। असुरों में सर्वोच्च अवश्य है आप, किंतु जन्म और मृत्यु आपकी नहीं, श्री हरि की इच्छा से होते हैं। तो क्या तुम्हारे श्री हरि मुझसे भी तुम्हारी रक्षा करेंगे? अवश्य। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, दिखो, मुझे तो नहीं दिखते तुम्हारे हरि, कहाँ है वो? अगर तुम्हारी रक्षा करने आए हैं तो कहाँ है वो? बोलो, दिखाओ मुझे कहाँ है वो। प्रभु नारायण हरि तो सर्वत्र है पिताश्री, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वो नहीं हो। अच्छा, तब फिर तो इस गदा में भी है जिससे मैं तुम्हारा वध करने वाला हूँ। अवश्य है पिताश्री, खड़ग में है, खंभ में है, जहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ नहीं भी जाती है, सभी स्थानों पर है मेरे प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि वो मुझ में है, तुम में है, इस स्तंभ में भी है? अवश्य। तो ठीक है, अगर मुझे तुम्हारे श्री हरि इस स्तंभ में नहीं दिखे तो सर्वप्रथम मैं तुम्हारे शीश के अनेकों टुकड़े कर दूंगा। ओम नारायणाय नमः। ना गंधर्व है ना किन्नर, ना नर है ना पशु, ये आपकी मृत्यु है। ना भीतर ना बाहर, ना आकाश ना पाताल, ना जल में ना थल पर, ना दिवस है ना रात्रि है, ये स्थान और ये पल दोनों आपकी मृत्यु के लिए है। ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मृत्यु के
लिए साधन है। इस दुष्ट हिरण्यकश्यप के वध से स्वर्गलोक, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक इसके आतंक से मुक्त हुए। स्वामी के प्रभु नरसिंह अवतार की इस भीषण गर्जना से तो वैकुंठ भी कंपित हो उठा। भ्राता श्री हरि नारायण का यह अपार क्रोध कैसे शांत होगा? जिस अनर्थ का मुझे अनुमान था आखिर वही होने जा रहा है। ये मात्र एक गर्जना नहीं थी गौरी पुत्र, अभी तो यह भीषण स्वर तो आगामी सर्वनाश का संकेत था, क्योंकि हिरण्यकश्यप के वध के उपरांत नारायण के अवतार नरसिंह के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। ये विजय उनकी बुद्धि पर हावी हो गई थी और वो अपने अनंत क्रोध के प्रदर्शन से उसका आनंद मनाने लगे थे, जिसके कारण सृष्टि पर महासंकट छा गया। ये सभी देवता इस प्रकार स्तब्ध क्यों? स्वामी के साथ ही क्या हो रहा है? वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में क्यों नहीं लौट रहे हैं? मैं इस विचार से व्यथित हो रही कि कहीं भ्राता श्री हरिनारायण की क्रोधाग्नि से समस्त सृष्टि का विनाश ना हो जाए। स्वामी, आप तो अपने ध्यान में भी इतने विचलित प्रतीत हो रहे हैं, अवश्य आपको भी यही चिंता सता रही है। नारायण के नरसिंह अवतार को नहीं रोका गया तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह समस्त पृथ्वी धधकते लावे से ढक जाएगी। वो जीवन के योग्य कैसे रह सकेगी? वो तो एक अग्नि के गोले के समान सौर्य मंडल में स्थित रहेगी। फिर तो ऐसा होने से किसी ना किसी को तो रोकना ही होगा ना स्वामी।
तो इतनी क्षमता किसमें है जो प्रभु श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार को रोक सके? हाँ देवराज, किसमें है इतना सामर्थ्य? मात्र एक, प्रभु महादेव। महादेव, 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 महादेव। लंकेश, तो क्या सभी देवता प्रभु महादेव के पास गए? फिर प्रभु महादेव ने क्या किया? आप अपने मामा श्री के नरसिंह अवतार की कथा सुनने के लिए कुछ अत्यंत ही उतावले हो रहे हैं। लंकेश, मैं तो सभी श्रेष्ठ कथाओं का श्रवण करने के लिए और उनसे उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक और उतावला रहता हूँ। फिर क्या हुआ लंकेश? सदैव के समान सभी देवता एकत्रित होकर कैलाश पहुँच गए और तभी कैलाश पर भी संकट छाने लगा था। प्रभु शिव शंकर, हे भोलेनाथ, अब तो हम सबको आपका ही आसरा है। हे प्रभु हर, कृपा कीजिए, हर लीजिए सृष्टि पर छाए संकट को। करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो, इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। रच दो लीला अब हरी, रच दो लीला अब हरि, चाहे फिर से एक अवतार धरो, अवतार धरो, विनती करो भगवन स्वीकार करो, विनती करो भगवन स्वीकार करो। शांत करो प्रभु, हम सब पे उपकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो, इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो,
विनती कर भगवन स्वीकार करो। मुझे ज्ञात है आप सभी यहां क्यों उपस्थित हैं। और मुझे यह भी ज्ञात है कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है। वीरभद्र 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 पिताश्री ने, किंतु क्यों लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, जिस प्रकार आप अभी अचंभित हैं, उसी प्रकार तब देवी पार्वती प्रभु के इस निर्णय को सुनकर स्तब्ध रह गई थी। श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार का सामना अब वीरभद्र जी से होगा, इसकी कल्पना से ही वो चिंतित हो उठी थीं। स्वामी स्वामी, अब भ्राता श्री हरि नारायण के क्रोध को शांत करने के लिए वीरभद्र को क्यों भेज रहे हैं? अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में तो ये भी असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि देवी, जिस प्रकार लोहा ही लोहे को काटता है, वैसे ही नारायण के इस आवेशित स्वरूप द्वारा उनके क्रोध को वश में करने के लिए मेरे उस उग्र रूप को उनके समक्ष प्रस्तुत होना होगा। नहीं स्वामी, कदाचित इससे स्थिति शांत होने के स्थान पर और भी विकट रूप धारण कर लेगी। आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं देवी, मैं वही कर रहा हूं जो स्वयं नारायण ने मुझे करने के लिए कहा। यह तो उनकी लीला का ही भाग है। ऐसा करने के लिए मामा जी श्री हरि नारायण ने कहा था, ये उनकी लीला है। मैं कुछ समझ नहीं सका लंकेश। पिताश्री मामा जी श्री हरि नारायण की किस लीला का उल्लेख कर रहे थे? कदाचित आपके मामा श्री श्री हरि नारायण को यह ज्ञात था कि अकेले स्वयं पर नियंत्रण पाने में वो असमर्थ होंगे, इसलिए हिरण्यकश्यप का वध करने से पूर्व उन्होंने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु से भेंट की। हे जगत पिता, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, रुद्र भी और भोलेनाथ भी। भक्तों के लिए आप दया सागर हैं और दुष्टों के लिए संहारक भी। आपकी जटाओं में स्वयं देवी गंगा विराजमान है और आपके शीश पर स्वयं चंद्रमा। हे चंद्रमौली, हे देवाधिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं जगत का पालनहार, जगत के कल्याण का अपना दायित्व निभाने हेतु आपसे एक सहायता का निवेदन करने आया हूं। क्योंकि हे महादेव, ब्रह्मदेव के वरदान की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना उस दुष्ट हिरण्यकश्यप के वध हेतु मुझे एक क्रूर उग्र रूप धारण करना होगा। किंतु मुझे संशय है कि उस उग्र रूप में मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकूंगा, क्योंकि उस समय मेरे शरीर का अर्ध भाग सिंह का होगा
जिस कारण मैं अत्यंत उग्र और आक्रामक हो जाऊंगा। किंतु इस परिस्थिति की यही विडंबना है कि परिणाम कुछ भी हो, किंतु मुझे अपने भक्तों की रक्षा और संसार के कल्याण हेतु ये स्वरूप धारण करना ही होगा। यदि मैं स्वयं पर नियंत्रण खोकर स्वयं को संभालने में असमर्थ हो जाऊं, तो मेरे द्वारा सृष्टि को कोई क्षति पहुंचने के पूर्व कोई भी उपाय कर मुझे नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिएगा। फिर भले ही इसके लिए आपको अपने किसी भी स्वरूप में मेरे समक्ष क्यों ना आना पड़े। हे भोलेनाथ, आप साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार मुझे अवश्य रोक लीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए श्री हरिनारायण, आपको आपके इस अवतार में स्वयं शांत होने के लिए कुछ समय अवश्य दूंगा मैं। किंतु यदि फिर भी आप अपने क्रोध पर नियंत्रण ना कर सके, तो समय रहते जो आवश्यक होगा वो अवश्य करूंगा मैं। तो क्या पिताश्री के समझाने पर माँ की चिंता दूर हुई? हाँ गौरी पुत्र, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया और महादेव ने वीरभद्र जी को वहां से प्रस्थान करने का आदेश दिया। किंतु प्रभु नरसिंह तो क्रोध में थे और वीरभद्र जी तो स्वयं पिताश्री के क्रोध से उत्पन्न हुए थे, तो क्या दोनों के क्रोध का टकराव संकटमय होने वाला था? गौरी पुत्र, प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ने स्वयं ही कहा था कि लौह ही लौह को काटता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, आपने तो सृष्टि को एक महापापी के प्रकोप से सुरक्षित किया है, आप स्वयं ही सृष्टि को संकट में क्यों डाल रहे हैं? प्रभु कृपया स्वयं पर नियंत्रण पाकर रोक दीजिए विनाश की लीला। हे प्रभु, आपने पूर्व में जो महादेव के साथ निहित किया था, उसके अनुसार ही मैं आपको यहाँ आपके बढ़ते हुए क्रोध का आभास कराकर शांत होने के लिए प्रेरित हेतु उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु के नरसिंह अवतार को समझा के शांत करना असंभव के समान है, अपितु वीरभद्र जी के पास उनका सामना करने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं है। कदाचित आपको रोकने के लिए मुझे शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। हे
ये क्या? प्रभु नरसिंह और वीरभद्र जी एक दूसरे के स्पर्श किए बिना ही एक दूसरे से दूर चले गए। क्योंकि उनकी ऊर्जा उनसे पूर्व ही आगे पहुंच जाती है। ये उनकी ऊर्जाओं के टकराव का परिणाम था। देवराज इंद्र, हे नरसिंह अवतार, मुझे आप पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के लिए विवश मत कीजिए। कृपा करके शांत हो जाइए। स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे, वो तो महायुद्ध के लिए तत्पर दिखाई दे रहे। मैं आपके चारों ओर अपने शस्त्र से ऐसा चक्र उत्पन्न कर दूंगा कि जिससे आप जब तक शांत ना हो जाएं, कहीं भी प्रस्थान ना कर सकें। नष्ट हो गए तो वीरभद्र जी प्रभु नरसिंह को कैसे रोकेंगे? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैंने संवाद स्थापित कर आपको रोकने का प्रयास किया, किंतु फिर भी आपके मार्ग को बाधित करने की मेरी चेष्टा को आपने असफल कर दिया। इसलिए अब मेरे पास कोई अन्य विकल्प शेष नहीं। अनुरोध सुनिए, लौट आइए अपने स्वाभाविक रूप में। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं प्रभु, अपने क्रोध का परित्याग कीजिए। अधर्मी और उसके अधर्म को तो नष्ट कर चुके हैं प्रभु, अब इस सृष्टि को भी अपने क्रोध से मुक्त कीजिए। मेरी गुहार सुनकर शांत होने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।
दोनों ही समान शक्ति संपन्न हैं, किंतु प्रभु नरसिंह सिंह रूपी पशु के समान आक्रामक शक्ति रखते हैं और उसके साथ साथ उनमें मनुष्य की सारी क्षमताएं भी हैं। इसलिए प्रभु वीरभद्र इतने सामर्थ्यवान होने पर भी प्रभु नरसिंह को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। किंतु इसके पूर्व की समस्त सृष्टि का स्थायी अहित हो जाए, उन्हें रोकना अति आवश्यक है। अब सभी ग्रह धधकते लावा से गिर जाएंगे और सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। नरसिंह में पशु और मानव की शक्ति का मिश्रण है। उन्हें तो कोई ऐसा ही दिव्य योद्धा रोक सकता है जिसमें पशु मानव और पक्षी की शक्ति का अद्भुत समन्वय हो। पशुत्व की भावना व्यक्ति को अनियंत्रित करती है तो पक्षी का स्वभाव अपेक्षाकृत अधिक शांत करता है। शिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भस्तुके हो कष्टते निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उभारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अद्भुत दिव्य योद्धा कौन है जिनके समक्ष प्रभु नरसिंह और वीरभद्र जी के विराट स्वरूप भी छोटे प्रतीत हो रहे हैं? विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का हुंकारता, विचित्र रूप था लिया ये शर्व अवतार का। नरसिंह के अहंकार को आसन बना दिया, जगत का बार बार है कल्याण शिव जी ने किया। ये तो स्वयं महादेव के सर्वाधिक उग्र शरभ अवतार हैं। ये प्रभु शर्वेश्वर है। प्रभु शर्वेश्वर, प्रभु शर्वेश्वर, प्रभु शर्वेश्वर।
शरभ प्रभु नरसिंह के समक्ष थे, अर्थात प्रभु महादेव और श्रीहरि नारायण परस्पर संघर्ष हेतु एक दूसरे के सम्मुख आ गए थे। किंतु लंकेश, ऐसी महान शक्तियों के संघर्ष से सृष्टि पर छाया संकट कहीं और तो नहीं बढ़ गया था? क्योंकि प्रभु नरसिंह की क्रोधाग्नि के प्रभाव से सृष्टि तो पूर्व से ही महासंकट में थी। फैलाने मात्र से समस्त ग्रह अपनी दिशा से भटक कर दिशाहीन हो गए। नरसिंह की एकमात्र गर्जना से उन ग्रहों पर ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहे। यदि उनके मध्य संघर्ष हुआ तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कैसा अनर्थ हो रहा है ये? महादेव और स्वामी का ये परस्पर संघर्ष सर्वथा अनुचित है। Thank you.
कैसा सर्वनाश होने जा रहा है। ऊर्जाओं में परस्पर स्पर्श भी हुआ तो समस्त सृष्टि एक महाविस्फोट के साथ नष्ट हो जाएगी। सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाएगा और अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहेगा। विध्वंस से होने वाले महाविनाश की कल्पना भी मुझे व्याकुल कर रही है। कभी कभी संघर्ष का रूप ले लेती है, किंतु उस संघर्ष के पीछे भी उद्देश्य जगत का कल्याण ही होता है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और भगवान शिव के शर्मावतार जब होंगे एक दूसरे के विरुद्ध, देखेगा ये संसार ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महायुद्ध। नरसिंह अवतार विरुद्ध शर्मावतार, देखिए श्री विघ्नहर्ता गणेश मैन।